कागज की क्वालिटी घट जाती है, गल जाता है, उसमें केमिकल होता है, उसको गला देता है, चिपका तो देता है लेकिन एक आध साल में वो उसका हिस्सा काला पड़ जाता है, खराब हो जाता है। अच्छा उस्ताद जी एक बात बताइए, जैसे आप जोड़ते हैं तो ऐसा कुछ नए नए लोग हैं जो जोड़ नहीं पा रहे हैं, मतलब उनको ना लेई बनाने का है, लेई को अच्छी बनाना चाहिए, टाइम लगता है उसमें। तो कुछ बताएंगे लेई कैसे बनाई जा सकती है, कुछ लेई के लिए थोड़ा सा एग्जाम्पल देंगे। चलाया जाता है और बिल्कुल साफ करके छान के, बिल्कुल फ्रेश मैदा हो और उसको देर तक पकाते हैं, खूब पकाते हैं। तो एक लेई में क्या क्या डालते हैं, लेई बनाने के लिए क्या क्या सामान डलता है? लेई में यही टूतिया रहती है जिससे वो खराब ना हो। तो मतलब बनती किसे, लेई किसे बनती है? मैदा। अच्छा मैदा, मैदे में कुछ और भी डालते, चीनी भी डालते? नहीं नहीं, कुछ चीनी डालते, बाद में डाल देते, बाद में चीनी डाल देते। ओके okay. ताकि ये आँखे ना झोल जो है, ये जो है आँखता है, क्योंकि कईयों से मैंने अभी मिला था, एक 16 साल के लड़के ही हैं, तो कह रहे थे मैंने पतंग छूट जाती है यहाँ से, तो शायद से उनके लिए हेल्पफुल हो जाए। नहीं, कि लई अच्छी नहीं बनी। अच्छा लई अच्छी नहीं बनी, तो लई को अच्छी बनाने के लिए मतलब मेहनत करनी पड़ेगी आपको। मेहनत कर, हम जब पढ़ते थे तीसरे चौथे में, जब हमको बुक क्राफ्ट में हमारे उस्ताद ने लई बनाना बताया था, बुक क्राफ्ट पढ़ाई जाती थी जिसमें ये फाइल वगैरह बनती थी। ओके। और एवरी वगैरह जिससे वो लई की चिपका करके वो बनाते थे बाइंडिंग पेपर वगैरह, तो वो उससे हमको उस वक्त से हमको बताया है लई बनाना। ओके। जी हम 6-7 साल के थे तब से लई बना रहे हैं, जब से लई हम बना रहे हैं उसी क्वालिटी की, टाइम लगता है लेकिन इसको जैसा उन्होंने बताया खूब चलाया जाएगा, और इसको मैदे को घोलने में जैसे दूध होता है इतना पतला घोला जाता है। ओके। गाढ़ा होगा, पक जल्दी जाएगी लेकिन वो ज्यादा दिन नहीं चलेगी। ओके। तो बिल्कुल पतला करना पड़ता है लई, पतली जैसे दूध होता है। ओके। इतना पतला करके इसको, प्लस हम देखा यहाँ पे डबल लग कर रखे हैं मजबूती के लिए, ये देखिए कभी कभी उड़ने में यहाँ दूसरे का तागा लगता है तो ये फट जाती है। ओके। लेकिन ये मजबूत होती है तो नहीं उसमें असर करता है, और तागा इसमें चखाव दे के कांप में फंसा दिया जाता है। ओके। ताकि ये पतंग पूरी फट जाएगी लेकिन तागा इसमें, हमारी अक्सर कभी कभी पतंग एक साइड गायब हुआ, दूसरा गायब हुआ, जिसमें पानी आ गया और उड़ रही है, तो उसके बाद हम देख रहे हैं कि इधर ही गायब हुआ, इधर हो गई, फिर इधर हो गई, गायब हो गया, मगर वो पतंग सीधी पूरी उतर आई, तागा इसमें फंसा रहता है। ओके। तो पतंग खराब नहीं होती, जाया गिरती नहीं है जमीन में, वो आपके उड़ती चली जाएगी उतर। क्या बात है, ये दो सब तरफ से तागा को चखाव दे के कांप में फंसा दिया जाता है। क्या बात है। तो देखिए उस्ताद ने बताया कि लेई के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेई को इतना पतला बनाइए कि बिल्कुल पतली हो जाए, गाढ़ी लेई ना रखी जाए ना, और वही मैदा और चीनी डल के बनती है, देर तक पकेगी, आधा पौन घंटा आप पकाना पड़ेगा उसको, पकाना पड़ेगा, खूब चलाना, हाथ रुकेगा नहीं, चलती रहेगी तो उसमें चमक पैदा होती है, वो ठीक से पक, एक दफे पकते पकते पतली होगी, उसके बाद फिर आप पकाते तो रहेंगे, फिर गाढ़ी। मैदे को ही गर्म किया जाता है क्या? मैदे सिर्फ मैदा। ओके। मैदे को गर्म किया जाता है, बाद में आप करेंगे चीनी डल जाती है, शुगर डाल दीजिए और टूतिया डाली जाती है ताकि खराब ना हो, वरना ये मैदा एक दिन के बाद दूसरे दिन खराब हो जाएगा। लेकिन कोई इतना गर्म किया, केमिकल का होता है ना। ओके। हाँ, तो वो खराब नहीं करता। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, टूतिया? टूतिया। तो उन्हें कह रहे हैं कि आप मैदे को इतना गर्म करो बिल्कुल पानी बन जाए। ओके। तो इतना गर्म करना पड़ता है कि वो बिल्कुल पानी लिक्विड बन जाए, मतलब उसको पानी बना दिया जाए वहाँ पे, ऐसा कुछ कर दिया वहाँ पे? नहीं, वो पकाते पकाते हो जाता है, पतली होती पहले, चलिए उसके बाद फिर वो गाढ़ी हो जाती है। चलिए बहुत बढ़िया। लेकिन यहाँ बच्चों की भीड़ लग चुकी है और हम भी यहाँ पे उस्ताद को फ्री करते हैं और उस्ताद का धन्यवाद करते हैं कि इतनी बढ़िया इन्फॉर्मेशन हमें दिए कि भैया मैदे के ऊपर, अगर आप नए हैं तो बिल्कुल उस्ताद से मिलिए, पूछे कि भैया लेई से कैसे बनता है, ताकि आप भी लेई लगा सके, अदरवाइज फेविकोल का भैया उस्ताद ने नुकसान दिया कि फेविकोल से क्या नुकसान होता है, और यहाँ पे हमारे उनके शागिर्द भी बैठे, तो आप भी लेई यूज करते हैं? बिल्कुल। चलिए बढ़िया, बहुत उस्ताद ने ही सिखाया। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। ये लेई है, इस इन्हीं की है बनाई हुई, अच्छी बनाते हैं। क्या बात है, पड़ा है। चलिए बहुत अच्छी बात, थैंक यू सो मच।